लोगों ने बिना बिजली से चलने वाला एयर ब्लोअर देखा है? यदि नहीं देखा है तो आज इस वीडियो में मैं बॉश का बिना बिजली से चलने वाला एयर ब्लोअर लेकर के आई हूँ। साथ में ये स्टार्टर किट है जिसके अंदर आपको दो बैटरीज और एक चार्जर साथ में मिलता है। दोस्तों बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, यू कैन यूज इट एनीवेयर एट एनी टाइम। दोस्तों यदि आप बॉश टूल्स के शौकीन हैं और बॉश टूल्स को खरीदना और उसके बारे में जानने का शौक रखते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, लेट अस स्टार्ट। ये बॉश का कॉर्डलेस ब्लोअर है, जीबीएल 18V-120 का आउटर बॉक्स है, साथ में ये स्टार्टर किट है जिसके अंदर दो बैटरीज और एक चार्जर है। इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो है हम अनबॉक्सिंग करेंगे ब्लोअर की। तो दोस्तों ये इसका आउटर बॉक्स है, आउटर बॉक्स के फ्रंट पे आप देखेंगे तो इसमें जो है आपको इसका सीरियल नंबर, इसका पार्ट नंबर जो है इसके ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस बॉक्स के अंदर जो है आपको ब्लोअर के साथ ये अटैचमेंट्स आप देखेंगे तो ये अटैचमेंट्स आपको मिलने वाली है जो कि मैं खोल करके आपको सारी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए इसको खोल करके देखते हैं कि आपको इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये सोलो भी आप ले सकते हैं। यदि आपके पास बैटरी और चार्जर पहले से ही है तो आप ये अकेला जो है ब्लोअर भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी एक एक करके आपको जो है अटैचमेंट्स बता देती हूँ। फ्रेंड्स इस अटैचमेंट को हम बोलते हैं डस्ट कलेक्टर ट्यूब। जब हम इसमें जो है डस्ट कलेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकली मैं अभी आपको जो है ज्यादा अच्छे से इसके साथ लगा करके दिखाऊंगी, तो इसको हम बोलेंगे डस्ट कलेक्टर ट्यूब। इसको हम बोलते हैं बोर होल नोजल। ये किस तरह से यूज करनी है दोनों इकट्ठी अटैचमेंट, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ पूरी डिटेल में। ये जो है फ्रंट का माउथ है, ब्लो पाइप है जो इसके आगे लगती है, और यदि इसका लेंथ छोटा हो तो ये एक्सटेंशन भी आपको एक्स्ट्रा मिलती है जो इसके साथ लग करके इसकी लेंथ को बढ़ा देता है। तो ये एक्सटेंशन किस तरह से लगानी है ये सारी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और दोस्तों ये हमारा जो है देखिए बहुत ही सुंदर, देखिए कॉर्डलेस ब्लोअर है, बहुत ही पोर्टेबल है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग, बहुत बढ़िया है। आपको देखिए, आप इसमें फ्रंट पे देख सकते हैं तो इसमें बॉश का लोगो है और इसका मॉडल नंबर है, हैवी ड्यूटी ब्लोअर है ये। और इसके बैक साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए इस पे जो है आपको इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस इसके ऊपर दे रखी हैं, आप देख सकते हैं, और इसका सीरियल नंबर इसके ऊपर दिया हुआ है। और इसके बैक साइड में ये देखिए इसका बहुत ही अच्छा जो है ये रबड़ ग्रिप दे रखा है यहाँ पे भी। और अगर हम इसका हैंडल देखते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट ग्रिप दे, आप देखिए जो रबड़ का इंसुलेशन इस पर लगा है बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग आ रही है हाथ में जब हम इसको पकड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आप देखिए तो ये ऑफ पोजीशन है और यहाँ पे इसमें दो स्पीड है, आप इस पे वन पे करेंगे तो एक स्पीड होगा और इसको अगर और फास्ट चलाना चाहते हैं तो आप टू नंबर स्पीड पे इसको चला सकते हैं। तो इसमें दो स्पीड दे रखी है आपको, वन एंड टू, तो अगर हम फिर से बॉटम में ले आएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो चलिए अब आपको जो है एक एक करके मैं अटैचमेंट लगाना सिखाऊंगी कि किस तरह से इसमें अटैचमेंट लगनी है। दोस्तों सबसे पहले ये हमारा आर्म जो यूज होता है अटैचमेंट, आप देखिए इसके अंदर जो है ये दो टीथ्स बने हुए हैं, ये टीथ्स हम स्लॉट के साथ मैच करके जो है इसमें हम डालेंगे और इस तरह से इसको घुमा देंगे। तो इस तरह से जो है ये हमारी अटैचमेंट लग गई है। तो ये हम नॉर्मली जब यूज करते हैं तो इस अटैचमेंट को लगा करके यूज करते हैं। अगर सपोज इसका लेंथ आपको छोटा पड़ रहा है तो आप इसमें एक्सटेंशन लगाइए। अब मैं आपको एक्सटेंशन लगा करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है हम लोग इसमें ये इस तरह से लगाएंगे, ये देखिए ये मैंने इसका लेंथ इंक्रीज कर दिया। और लेंथ इंक्रीज करने के बाद जो है मैं इसके अंदर इसको फिट करूंगी, तो इस तरह से ये देखिए इसका जो है लेंथ इंक्रीज हो गया। आप दूर से जो है इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये अटैचमेंट है, उसके बाद जो है मैं आपको अगली अटैचमेंट दिखाती हूँ। ये बहुत ही यूजफुल अटैचमेंट है और ये अटैचमेंट मैंने सिवाय ब्लोअर बॉश के ब्लोअर्स के अलावा किसी और के साथ नहीं देखी है। बहुत ही अच्छी अटैचमेंट है, आप देखिए ये अटैचमेंट। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगी इसको, ये अटैचमेंट हमने लगाया। दोस्तों इस अटैचमेंट को बोलते हैं हम बोर होल नोजल।
तो जब हम दीवार पे सुराख करते हैं और सुराख के अंदर मिट्टी भर जाती है, तो उस मिट्टी को निकालने के लिए हम इस अटैचमेंट को यूज करते हैं। इस अटैचमेंट को लगाने के बाद जो है ये डस्ट कलेक्टर ट्यूब हम इसके ऊपर लगाएंगे। आप देखिए किस तरह से मैं लगा रही हूँ, ये जो इसके बाहर टीथ बने हैं इसके ऊपर हम इसको मैच करेंगे, ये देखिए, और इस तरह से हमने इसको लॉक कर दिया है। तो दोस्तों ये जहां पे हमने ड्रिल करा है दीवार पे, उसके अंदर ये वाली जो नोजल का टिप है वो अंदर जाएगा इस तरह से, और वो ब्लो करेगा, मिट्टी को उड़ाएगा, और मिट्टी उड़ के जो है इस डस्ट कलेक्टर ट्यूब में जो है कलेक्ट हो जाएगी इस तरह से। आप देखिए इस पोजीशन में यूज होगा ये इस तरह से, ये उस होल के अंदर से मिट्टी उड़ा देगा और इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, और नीचे आपका बिल्कुल भी मिट्टी नहीं गिरेगा। बहुत अच्छी अटैचमेंट है, बहुत ही यूनिक अटैचमेंट है जो इसके साथ आपको मिलने वाली है। ये चार अटैचमेंट्स आपको इस ब्लोअर के साथ मिलने वाली है दोस्तों। और अब इसके साथ जो बैटरीज लगनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। तो ये कौन सी बैटरीज लगनी है, कितने वोल्ट की लगनी है, चलिए हम इसको दिखाते हैं आपको। इस किट को दोस्तों स्टार्टर किट बोलते हैं, ये 18 वोल्ट स्टार्टर किट है। बॉश के जितने भी कॉर्डलेस टूल 18 वोल्ट के है, चाहे वो कॉर्डलेस ड्रिल ड्राइवर है, चाहे वो इम्पैक्ट ड्रिल है या इम्पैक्ट रेंच है, उसके साथ ही कॉमन स्टार्टर किट जो है यूज कर सकते हैं। तो ये आपके इस ब्लोअर में भी लगेगा, और जितने भी बॉश के 18 वोल्ट्स के टूल्स हैं उसके लिए ये कंपैटिबल है। तो मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिखाती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है और क्या बैटरीज की स्पेसिफिकेशंस हैं। ये देखिए दोस्तों, स्टार्टर किट के अंदर जो है आपको एक फास्ट चार्जर मिलता है, मैं आपको दिखाती हूँ, फास्ट चार्जर है दोस्तों। इस चार्जर का जो मॉडल है GAL 18V-40, ये चार्जर कंपेटिबल है बॉश की 18 वोल्ट की बैटरीज को चार्ज करने के लिए, और ये चार्जर जो है सारे कॉर्डलेस 18 वोल्ट टूल्स के लिए जो है आप ले सकते हैं। और इसकी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बैक पे दिखा देती हूँ दोस्तों। तो इसका जो इनपुट वोल्टेज है वो 220 वोल्ट, 240 वोल्ट है, और जो इसका इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो 10.8 से 18 वोल्ट है, और 4 एम्पियर का जो है ये फास्ट चार्जर है। तो दोस्तों इस चार्जर में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है दो लाइट्स ब्लिंक होती हैं, तो ये मैं आपको अभी ऑन करके साथ के साथ इसका पूरा फंक्शन भी आपको बता देती हूँ, ताकि आपको किस तरह से चार्जिंग होता है ये सारी जानकारी अच्छे से दे देती हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत जो है ना आए इसको यूज करने के लिए। देखिए अब इसका जो ये पावर कॉर्ड है इसको मैं ऑन करती हूँ, तो ये देखिए जब इसमें हमने इसको ऑन कर दिया है फ्रेंड्स, आप देखेंगे जब हम इसको मेन सप्लाई से मैंने इसको ऑन करा है तो इस पर ग्रीन लाइट जो है कंटिन्यू जल रही है। इसका मतलब कि मेरा चार्जर इज रेडी फॉर चार्जिंग। और जब मैं इसके ऊपर बैटरी लगाऊंगी, मैं बैटरी की स्पेसिफिकेशंस आपको जो है थोड़ा बाद में बताती हूँ, पहले मैं चार्जर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आप देखिए बैटरी कैसे लगाना है इसमें, ये देखिए बहुत ही सिंपल है। अब देखिए जैसे इसके ऊपर बैटरी लगा है, आप नोटिस कीजिए इसका जो ग्रीन लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, इट मींस कि योर बैटरी स्टार्टेड चार्जिंग। और जब दोस्तों इस पे रेड लाइट आ जाएगा यहाँ पे, अभी तो ये मेरा बैटरी फुली चार्ज नहीं है, जब ये बैटरी फुली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे जो है हमारा रेड लाइट आ जाएगा, इट मींस कि योर बैटरी इज फुली चार्ज्ड। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मैं एक चीज और बता दूं, कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है इसको ऑन करते हैं और ये ग्रीन लाइट की बजाय रेड लाइट इसमें ऑन हो जाती है, इट मींस कि आपका जो चार्जर है उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो चार्जिंग के लिए रेडी नहीं हो रहा है। तो वो आप जो है उसको जरूर देखिए कि इस तरह की लाइट आती है, तो इट मींस कि समथिंग इज रॉन्ग इन योर चार्जर। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मैं आपको बैटरीज की डिटेल भी आपको दिखा देती हूँ दोस्तों। इस स्टार्टर किट में आपको 18 वोल्ट 4Ah की, आप देखें तो बैटरी के ऊपर क्लियरली मेंशन है 18 वोल्ट 4Ah की लिथियम आयन की दो बैटरीज आपको जो है इस पैक में मिलती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बॉश की जो बैटरीज और चार्जर होता है ये वारंटी में नहीं आता है। तो कई लोग सोचते हैं कि वारंटी है तो ये प्रोडक्ट जो है वारंटी में नहीं आती है ये चार्जर। आप मोबाइल भी लेते हैं तो आप देखेंगे कि उसके चार्जर और बैटरीज जो है वारंटी में कवर नहीं होती हैं। तो ये बैटरी हमने ब्लोअर में कैसे लगानी है वो भी आपको एक बार लगा करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको जो है यूज करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए।
सिंपल है, आप इस तरह से स्लाइड करके इसमें लगाइए। ये देखिए मैंने इसको लगा दिया है और अब मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो है इसकी दो स्पीड्स है। तो अभी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी कुछ डेमोज करके दिखाती हूँ कि कितना ये पावरफुल ब्लोअर है। दोस्तों इसमें मैं ये अटैचमेंट्स लगा देती हूँ, मैं एक्सटेंशन रॉड वाला भी लगाऊंगी साथ में। तो ये देखिए अभी मेरा ये प्रोडक्ट कंप्लीटली रेडी फॉर प्रैक्टिकल है। तो मैं अब इसको जो है चला करके दिखाती हूँ दोस्तों। चलो मैं इस पे आपको यहीं पे थोड़ा सा ट्रायल दिखा देती हूँ। ये भी मैंने फर्स्ट स्पीड पे करा है, ये मेरी सेकंड स्पीड पे। कहीं पे भी ले जाके क्लीनिंग कर सकते हैं। देखिए मैं किस तरह से अपने जो है शॉप की स्टेयर्स क्लीन करूंगी। देखिए किस तरह से मिट्टी उड़ा रहा है। दोस्तों इस कॉर्डलेस मशीन से जो है आप अपने गंदे टूल्स भी साफ कर सकते हो। ये वेल्डिंग मशीन है, आप देखिए कितना इसके ऊपर डस्ट गिरा है। और अभी मैं इसको जो है क्लीन करूंगी इसके साथ। देखिए देख सकते हैं इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी डली हुई थी सारी की सारी जो है इसने क्लीन कर दी है और मेरे सारे कंपोनेंट्स जो है क्लियरली विजिबल हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो के थ्रू जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बॉश के ब्लोअर के साथ आपको क्या अटैचमेंट्स मिलनी है और कौन सी बैटरी किस तरह से लगनी है, कौन सा चार्जर लगना है। और यदि आप इनमें से कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको इसकी डिलीवरी जो है ऑल ओवर इंडिया दे सकते हैं। यदि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी कोई और इंक्वायरी है तो आप अपनी इंक्वायरी कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।